देखिये मेरा मुतसम और मीरब स्क्रीन पे आते ना स्क्रीन को लग जाती है इसमें तो कोई शक नहीं है वो पूरा उसका ये कहना कि यू नो मेरी बेटी है और के कोई इस पे सवाल नहीं उठाएगा ये कहाँ थी किसके साथ थी मुझे फर्क नहीं पड़ता ये बहुत अच्छे डायलॉग okay? इन, इन, इन इतने सारे मुतसम का आकर मीरब को साथ देना उसके बाद कोई क्वेश्चन हाँ एक बचता है

नहीं लिखा रहा हाँ नहीं 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 लिखा मैंने मैं तो मैं रखा हुआ था ये चीज़ हाँ, मैं वो सबा को तो कह देती है कि जितनी वो करता है मोहब्बत तो ज़्यादा ही मैं करती हूं। तो वो जो सवाल करती है कि की तो अच्छा था लेकिन आई लव टू भी कह देती भाई तो नहीं मेरे मुतसम जरूरत नहीं है वो वो मुझे थोड़ा सा सीक्वल में आप खिलवा दीजिएगा बस मैंने सब कुछ यही इसीलिए रखा मैं <laughs> <laughs> um, मुझे भी थोड़ी सी यहाँ पर नीड हुई लेकिन मुझे बस वो थे, थे, थे कि सारे तुम मुझे नहीं टोकोगे या तुम मुझे तंग नहीं करोगे या हाँ, ये हाँ. वो मुर्तसिम पे हमेशा मीरप की मर्जी चलेगी हाँ. तो मुझे लगता है ये भी एक

बल्कि हया की जो मोहब्बत थी या जो मुतसम के लिए वो मुतसम से भी ज़्यादा थी तो फिर भी हाया से शादी करने को राजी हो गया खास नहीं मिलती किसी भी काम की। ये कहना कि तुम गांव चली जाओ वहां जाके माई से पराठे बनवाओ और मालशें कराओ तो ये तो उसको ट्रीट दे दी ठीक है उसकी सबसे बड़ी जो है ना कामयाबी और अचीवमेंट थी इस घर की मालकिन मैं बनू हाँ ये अंगूठी मेरी उंगली में पड़ेगी मतलब मुर्तम मेरा मतलब ये हवेली मेरी ये सब कुछ मेरा उसका ये ख्वाब बचपन से था देखे उसकी अपनी लालच थी इस मोहब्बत में और वो आ, मरीम उसको बार बार कहती है कि तुम्हें क्या मोहब्बत है कि तुम इस घर की मालकिन बनना चाहती हो तुम्हारा ये ख्वाब है तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं मैंने देखा हमेशा मुतसम की बीवी मैं बनूंगी और ये घर सब मेरा होगा हमेशा उसको धमकी दी जाती है एक दो बार भी उसको पहले गाऊ और वो कितनी मचल रही थी कि मुझे यहाँ से निकालो चलो चलो यहाँ से चलो मतलब जो मीरब उसको लेने जाती है तो उसका था कि ये घर एंड दिस मैन इज माइंड ये हुकूमत मेरी आनी चाहिए मुझे वो मिलनी चाहिए उसको उससे हटा देना ही सबसे बड़ी उसकी पनिशमेंट है आप इसको मारेंगे पीटेंगे क्या इसको मैं आप आत्महत्या करवा देती हूँ या मैं जिसको पागल पागलखाने ये मुझे करना नहीं था क्योंकि सोचा इस पे कि हम क्या चाहते थे कि भैया के साथ क्या होता आत्महत्या बिल्कुल नहीं पागलपन बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं तो उसकी क्या सजा होती या तो उसको अपने बाप के घर जो ये पुप्फी की बेटी थी जो उसके एक्सीडेंट हो गया तो ये यहाँ पर रहने आ गई या तो उसके बाप के घर उसको भेज देते एक सजा वो थी या आप कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बख्तू से, कर से कर शादी करवा इससे शादी शादी करवा इज नॉट द ऑप्शन लेट हर लिव और लेट हर थिंक क्या किया अब उस घर से जो उसका निकलना है ना और मॉ बेगम कहती है फिर तुम कभी यहाँ नहीं आओ यार आ जाएगी वापस मुझे पता है अब तो सीजन टू में हो ही नहीं सकता ना है ये तो आपने मुझे दिया है

और मैं अग्री भी नहीं करती इस चीज से कि आप कैरेक्टर को मार दें फिर तो आप अमर कर देते हैं उसको बिल्कुल वो, तो वो बिल्कुल मैं खुद ही मर जाती कि इतनी मोहब्बत में थी वो मोहब्बत में थी उसकी साथ थी जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है बिल्कुल बिल्कुल आपको लगा कि जो किरदार लिखे आपने इन्होंने जबरदस्त निभाए यमुना ने और बहाज ने ने यमुना भी और मुझे यमुना के किरदार के बारे में ये कहना था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी आपने जी बेवकूफ बना दिया ये बना दिया देखें और यमुना ने बहुत अच्छा प्ले किया और युम्ना से यमुना ने जो भी किया थ्रू द टाइम अपने एक एक स्टोरी की प्रोग्रेस देखी है कि यमना उसको भगा रही है या युना जो है रोहल के साथ जा रही है रोहेल के साथ वो अपनी मर्जी से नहीं गई उसने पकड़ के उसको गाड़ी बढ़ाया अब पकड़ के रोहेल के साथ क्यों जा रही है जब वो बंदा ऐसा है वो उसका क्लास फेलो था ऐसे नहीं अनजान बंदे ने उसको हाथ नहीं पकड़ के उसको बिठाया वो उसका क्लास फेलो था था उसको पता था कि अगर मेरी शादी यहाँ नहीं होती और मेरी जिंदगी वैसे ही गुजर रही होती जैसे गुजर रही थी तो मे बी दिस पर्सन इज ये मुझे प्रपोज करने वाला था वो उसको दोस्त ही कि भाई तुम्हारे लिए बर्थडे ये वो रिंग भी लेके खड़ा है कि मैं इसको तो शी हैव दिस है तो था? वो उसके लिए अनो नहीं है कि अगर वो उसके फ्लेट पे उसको लेकर गया है तो इसके सारे सवाल के जवाब थे मेरे पास जब आप लोग रिव्यू करते हैं दूसरा वो हया को देखती है तो हया को देखती है कि वो इस मोहब्बत में है वो और वो कहती है कि इस खानदान की सारी लड़कियों के साथ यही होगा जबरदस्ती की शादी होगी वो अपनी पूरी कोशिश करती है उसके बाद कह रहे हैं कि वो जी भगा रही है भगा नहीं रही वो आपने देखा कि वो लोग निकाह करके या कुछ भी करके वो वापस आ रहे हैं क्योंकि इस लड़की की बिल्कुल शादी होने वाली है नौरेज से तो वो उसमें अपना आप देखती है कि यार मैं तो फिर भी बर्दाश्त कर गई चलो मुर्त ने कुछ कुछ भी वो उसको कहती है मेरा भाई आपको इतना अच्छा मिल गया वो तो आपसे मोहब्बत भी करता है ये भी करता है लेकिन उसको वो पता है कि ये जबरदस्ती ही होगी इस खानदान की बच्ची के साथ यही होगा कि भाई ये लड़का है इसको तुम्हारे साथ शादी करनी है बस उसकी मर्जी तो वो उसके लिए एक्सीडेंट में जाती है नहीं। नहीं। वो देखने भी जाती है कि वो वो तो उसकी चाल होती है मलिक जुबर की वो देखे घर बार है माँ बैठी है ऐसा नहीं।, नहीं।, नहीं है कि ये कहीं और कहीं गलत घर में जा रही तो उसने तो अपनी पूरी कोशिश की पर क्यों भगा रही है वो भाई एक हीरोइन है उसका ग्राफ बना हुआ है उसके साथ जो जो उसके अंदर का गर्ज है या जो उसके साथ नान साफियां सही है सुनती नहीं थी वो भी कंसिस्टेंटली नहीं सुनती थी हाँ, उसको लेके तो गया गाड़ी से ना निकलना वो निकलती है उधर ना जाना वो जाती है हाँ, उसको तो टफ टाइम देना ही था हाँ, ना और उस टफ टाइम में जो, जो हाँ हा, और हा, अगर हा। आप कहेंगे तो ये तो वो होगा करीब आया है बिल्कुल ऐसा ही जो चीज़ ना मिले उसकी ज्यादा होती है डिजायर शुक्र आपने खुद ही कह दिया वो तो है वो जो चीज नहीं मिलती उसकी डिजायर ज्यादा होती है पूरे स्क्रिप्ट में आपने है लिखा तेरे उसमें जो अब लिखती अगर मैं ऐसी कोई चीज़ मैंने सोची भी हुई यहाँ तो आवना मैं भी मैं ये कहूंगी मैं सीरियल में ऐसा नहीं करूंगी मैं तेरे बिन को ऐसे ही जाने दूंगी क्योंकि तेरे बिन की का फेम जो है ना वो अब काफी बढ़ गया है रात तो मैंने रात से जो मैंने देखा मैं कहा लोग कितना वेट कर रहे थे यार

देखना भी है और फिर भी बुरा तो लिखती है।, है, एपिसोड, एपिसोड you know, तो है तो मैं उनके मूड्स पे तो नहीं चल सकती ना हाँ लेकिन मुझे उनके जो भी उन, उनका गर्ट वो था जो उनका प्रोड हुआ मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ